यशराज फिल्म्स बॉलीवुड का, इनफैक्ट आई बिलीव इवन इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। यशराज फिल्म्स ने 2020 में अपने 50 साल पूरे किए फिल्म इंडस्ट्री में, और इस दौरान उन्होंने 70 से ज़्यादा मूवीज़ बनाई हैं, पर इन 70 से ज़्यादा फिल्मों में एक भी हिस्टोरिकल मूवी नहीं है। पर अब YRF रेडी है अपनी पहली हिस्टोरिकल मूवी के साथ, जिसमें वो हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज की कहानी को बड़े पर्दे पर उतारेंगे। और इसके लिए यशराज फिल्म्स ने कैप्टन ऑफ द शिप यानी डायरेक्टर चुना है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को, जो हिस्ट्री की काफ़ी गहरी नॉलेज रखते हैं और 2004 से ही सम्राट पृथ्वीराज पर मूवी बनाना चाह रहे थे। हाल ही में इस मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं MK स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल पर, और आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा पृथ्वीराज मूवी के ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर में बेसिकली फिल्म के मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है एंड दो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं जो कि मूवी की स्टोरी का मेजर पार्ट है। एक है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गौरी, एंड दूसरा है पृथ्वीराज और राजा जयचंद के बीच। अक्षय कुमार इस मूवी में सम्राट पृथ्वीराज का रोल प्ले कर रहे हैं, जिनकी एंट्री एक ज़बरदस्त सीन से होती है इस ट्रेलर में, जिसमें वो रणभूमि में चलते घोड़े से उतरते दिखाए गए हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पृथ्वीराज को उनकी योग्यता के चलते दिल्ली का सम्राट बनाया जा रहा है। इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है संयोगिता के करेक्टर का, जो पृथ्वीराज की बहादुरी के चलते उससे प्यार करने लगी है। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी छिल्लर संयोगिता का करेक्टर प्ले कर रही है, और ये मूवी उनका पहला कदम है बॉलीवुड में। संजय दत्त पृथ्वीराज के अंकल काका कान्हा का रोल प्ले कर रहे हैं, जो पृथ्वीराज को चुनौती देने वालों को अपने हाथों से मारने का प्रण लेते दिखाए गए हैं। काका कान्हा का बहुत बड़ा रोल माना जाता है पृथ्वीराज की मिलिट्री सक्सेस में। सोनू सूद चंद वरदई का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, और ये मूवी भी चंद वरदई की एपिक पोएम पृथ्वीराज रसों पर बेस्ड है। और सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस किया गया है पृथ्वीराज के राज्य के लिए संकट बने मोहम्मद गौरी के करेक्टर को, जिसे मानव विज निभा रहे हैं। ट्रेलर में वॉर सीक्वेंसेस, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के कन्फ्रंटेशनल डायलॉग्स, पृथ्वीराज और संयोगिता के रोमांटिक सीन्स, संयोगिता का स्वयंवर और फिल्म के क्लाइमेक्स की कुछ झलकियां भी दिखाई गई हैं। ट्रेलर की खासियत यह है कि इसमें काफ़ी कुछ दिखा के भी बहुत कुछ नहीं दिखाया गया है, स्पेशली वन डजेंट नो दी स्टोरी ऑफ पृथ्वीराज। ट्रेलर में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी है डिटेलिंग, जो कि बहुत रेयर है आजकल की मूवीज़ में, जिसका श्रेय जाता है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को, एज ही लव्स रिसर्चिंग अबाउट कॉस्ट्यूम्स मटीरियल आर्ट एटसेट्रा ऑफ बायगॉन एराज। मूवी को ग्रैंड स्केल पर पिक्चराइज किया गया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ज़बरदस्त है मूवी का। सोशल मीडिया पे आई रेड सम कमेंट्स क्रिटिसाइजिंग फ्यू एलिमेंट्स इन द मूवी। अब मैं उन पर बात करूंगा, क्योंकि जिन आस्पेक्ट्स के बारे में मैं आगे बात करने जा रहा हूँ दे आर रिलेटेड टू दोज क्रिटिसिजम्स ओनली। पहली क्रिटिसिज्म है कि डिस्पाइट प्लेइंग अ ग्रेट वॉरियर, अक्षय कुमार की डायलॉग डिलीवरी एज पृथ्वीराज इज फ्लैट। जो लोग इस बात को लेकर मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आप चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के हिस्टोरिकल शोज भी देखेंगे, चाहे वो चाणक्य हो, उपनिषद गंगा हो या सुराज्य संहिता हो, ही कीप्स हिज कैरेक्टर्स रियल। उनकी मूवी या शो के कैरेक्टर्स आपको फिल्मी तरीके से डायलॉग्स डिलीवर करते नजर नहीं आएंगे। मुझे मोहम्मद गौरी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, इट्स नॉट लाइक एनीथिंग वी हैव सीन इन पद्मावत और तानाजी। पर इस पे भी क्रिटिसिज्म हो रही है कि विलेन वीक लग रहा है, पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी की तरह डेविलिश नहीं लग रहा है। चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज और उस एरा से रिलेटेड बहुत कुछ पढ़ा है, एंड ही हैज़ ब्रॉट आउट अ रियलिस्टिक वर्जन ऑफ मोहम्मद गौरी। संजय लीला भंसाली का अलाउद्दीन खिलजी तो ह्यूमन दिखाया ही नहीं गया है, ही वॉज पोर्ट्रेड एज अ बीस्ट फॉर सिनेमेटिक पर्पसेज एंड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इमोशन अगेंस्ट दी करेक्टर। आई एंजॉयड दी परफॉर्मेंस ऑफ रणवीर एज खिलजी एंड सैफ अली खान एज उदय भान, पर अगर सब हिस्टोरिकल्स के विलन्स एक जैसे ही परफॉर्म करेंगे देन वेयर इज द फन। देयर इज क्रिटिसिज्म अबाउट अक्षय कुमार नॉट बीइंग मस्कुलर एंड टू थिन फॉर दिस रोल। आई कैन ओनली स्माइल बिकॉज चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने अक्षय को वेट कम करने के लिए कहा था, एंड उन्हें हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इनफैक्ट नीदर रितिक एज अकबर नॉर रणवीर एज खिलजी वर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करेक्टर्स दे पोर्ट्रेट। रणवीर का करेक्टर खिलजी एक्चुअली रियल खिलजी पर बेस्ड ही नहीं था, बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स के करेक्टर खाल द्रोगो और हॉबिट के करेक्टर थॉरिन के जैसे बनाया गया था। ये क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स में इजीली इग्नोर करके भी इस रिव्यू को पूरा कर सकता था, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू सपोर्ट समवन जो आपको एक ऑथेंटिक और रियल लाइफ वर्जन देने की कोशिश कर रहा है अबाउट अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल इवेंट। इस ट्रेलर में मुझे एक चीज़ जो खटक रही है वो है अक्षय कुमार की मूछे, यानी अक्षय कुमार मुस्टाश, जिसकी वजह से वॉर के कुछ सीन्स में ही इज नॉट लुकिंग कन्विंसिंग, जिसके स्क्रीन शॉट्स भी घुमाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। मुझे लगता है ही शुड हैव ग्रोन अ रियल मुस्टाश फॉर द रोल, और तब ये प्रॉब्लम नहीं आती। ट्रेलर के स्वॉट एनालिसिस की तरफ चलते हैं। इस मूवी की रियल स्ट्रेंथ है आदित्य चोपड़ा एंड चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, जिन्होंने इस मूवी को काफ़ी ग्रैंड स्केल पर बनाया है, और इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट का
ऑथेंटिक और रियलिस्टिक वर्जन देने की कोशिश की है विदाउट गोइंग दी डॉक्यूमेंट्री वे। मूवी की लेंथ भी अराउंड 2 hours 15 minutes है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ फास्ट पेस्ड मूवी बिकॉज काफी इवेंट्स कवर किए गए हैं इस मूवी में। इस फिल्म की वीकनेस ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम इट्स स्ट्रेंथ। प्रोबेबली ओवर द टॉप हिस्टोरिकल्स देखने के बाद पब्लिक माइट और माइट नॉट लाइक अ मोर रियलिस्टिक वे ऑफ रीटेलिंग एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया था, अक्षय कुमार की मूछें आर प्लेइंग अ स्पॉइल स्पोर्ट। इतनी बड़ी मूवी के लिए अक्षय कुमार को रियल मुस्टाश ग्रो करनी चाहिए थी। अपॉर्चुनिटी ये है कि इट हैज गॉट अ सोलो रन। आई एम डिस्काउंटिंग द रिलीज ऑफ तेलुगु फिल्म मेजर एंड तमिल फिल्म विक्रम, एज आई डाउट वो ज्यादा स्क्रीन ले पाएंगी इन फ्रंट ऑफ यशराज फिल्म्स माइट, क्योंकि पृथ्वीराज मूवी का बजट काफी हाई है। तो इसके लिए थ्रेट है जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन मूवी की रिलीज ऑन जून 10, यानी कि पृथ्वीराज की रिलीज के एक हफ्ते बाद। जुरासिक वर्ल्ड की अच्छी खासी फॉलोइंग है इंडिया में, पर अगर पृथ्वीराज लोगों को पसंद आई स्पेशली मास सेंटर्स में, देन जुरासिक वर्ल्ड वोंट बी एबल टू अफेक्ट इट्स बिजनेस। ओवरऑल मुझे ये ट्रेलर बढ़िया लगा। इट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू ब्रिंग द बॉलीवुड व्यूअर्स बैक इनटू थिएटर्स। आई जस्ट होप दैट चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी उस उम्मीद पर खड़े उतरे जो उन्होंने इस ट्रेलर से दी है, ताकि हमें और भी ऑथेंटिक हिस्टोरिकल्स देखने को मिले फ्यूचर में, एज मोस्टली हिस्टोरिकल्स आर नॉट एक्यूरेट बट अ सिनेमैटिक वर्जन ऑफ हिस्ट्री। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।